अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु फ्रेंड्स, वेलकम टू अजान गुलमोहर गार्डनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का दोसा। आलू और इसमें थोड़ा सा हम रवा मिलाएंगे और थोड़े से चावल मिलाएंगे। इसका दोसा बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी रहता है। आप देखते रहिए, ये आलू और हम रवा और चावल को ग्राइंड करेंगे। पहले आलू को अच्छे से ग्राइंड करेंगे, बारीक उसको पीस लेंगे। फिर उसके बाद हम रवा ऐड करेंगे, चावल भी ऐड करेंगे। आलू को हम जार में डालेंगे, इसको अच्छे से बारीक ग्राइंड कर पीस लेंगे। ये हम चटनी बनाने के लिए है। चटनी भी इसकी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हम नमक डालेंगे। नमक इसलिए पहले डाल रहे हैं क्योंकि आलू काले ना पड़ जाए। देखिए, हमने आलू को अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब हम और थोड़े से आलू है, इसको भी हम चावल को पीसेंगे, उसके साथ फिर रवे को भी पीसेंगे। अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे, आलू और चावल और रवा अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये अच्छा मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए। इसके बाद हम चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। एक पैन लेकर हम चटनी की तैयारी करेंगे। तवे को ऑन कर दिया है मैंने, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम लहसुन और सूखी मिर्ची और तिल डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, तिल और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होने को आया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करकर टमाटर ऐड करेंगे। देखिए, ये टमाटर 3 साइज बड़े साइज के टमाटर लिया है मैंने। तिल और टमाटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी रहता है। आप लोग भी ऐसे ही बनाकर देखिए। अब इसको हम थोड़ा ढक देंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब ये चटनी पक गई है, इसको हम ठंडा कर ग्राइंड करेंगे। अब हम बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ना कोई हम मीठा सोडा डालेंगे, ना इसमें हम इनो डालेंगे। यही आलू से अच्छा डोसा बनकर तैयार होता है। चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। 2 चम्मच कटी हुई बारीक प्याज कटी हुई डालेंगे। इसमें हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच के करीब है। ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसमें हम काफ़ी सारी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, बीन्स की फली है वगैरह, अपने जो दिल चाहे हम डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पतला रखेंगे, मिक्स करने में आसानी होगी। बैटर तैयार हो जाता है, हम चटनी ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम वही तेल में तड़का लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते का प्लांट यहीं पर है। इसको तड़के के लिए मुझे कड़ी पत्ता चाहिए था चटनी बनाने के लिए, ये लेने को आई हूँ मैं। मेरे ही गार्डन से मैं जो भी वेजिटेबल निकलते हैं वो लेकर मैं रेसिपीज बनाती हूँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ये देखिए, मेरे गार्डन से निकले हुए मोगरा के फ्लावर और कड़ी पत्ता, जो मैं अब तड़के के लिए इस कड़ी पत्ते को इस्तेमाल करूंगी, जो मेरे ही गार्डन से। देखिए, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ तड़के के लिए। सूखी मिर्ची है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। बीपी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, अपने बाल भी अच्छे घने और लंबे बड़े होते हैं, काले होते हैं। हम तड़का इसमें डाल रहे हैं।
हमारी चटनी तो रेडी हो गई है, अब दोसे की तैयारी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दोसे का बैटर तैयार हो गया है, अब हम इसको पैन में डालेंगे, तवे पर डालेंगे। यहाँ पर दोसे को नीचे अच्छा पकने देना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि दोसे टूट जाते हैं, इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, दो तीन दोसे बनाने के उतना टाइम एक दोसे को लगाना चाहिए, तो जब नीचे अच्छा पकता है वो और अच्छे से पलटता है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए हमारा आलू का दोसा अब हम पलटने को है, तो देखिए कितना ब्राउन कलर और कितना यम्मी दिख रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे पकाएंगे, दोसे को हम प्लेट में निकालेंगे। हमारा दोसा दूसरा पड़ रहा है, देखिए दोसा कितना ब्राउनिश कितना अच्छा पक गया है। Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comment down.